आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त इसराइल को काफी बड़े झटके दोस्तों लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल के बहुत सारे मंत्री अब इसराइल के अंदर अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं पर इसराइल बार बार गाजा के ऊपर, राफा के ऊपर, अनुशीरत शिविर शरणार्थियों के ऊपर बार बार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं कि गाजा और राफा के ऊपर इसराइल जिस तरह से बमबारी कर रहा है, जिस तरह से वहां पर वो नरसंहार कर रहा है, उन तस्वीरों को देखकर अलग अलग देशों के अंदर इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की ये सारी कारगुजारी देखने के बाद इसराइल के ही बहुत सारे मंत्री अब इसराइल के ही साथ छोड़ने पर आमादा हो चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का साथ छोड़ने पर आमादा हो चुके हैं। बहुत सारे मंत्रियों की तरफ से इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि आज उन्होंने घोषणा की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बातचीत करेंगे तो हो सकता है वो अपनी इस्तीफे की बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कर दें, जिससे इसराइल को काफी बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन उसी बीच दोस्तों एक बुरी खबर जो है गाजा के अंदर से निकल के आ रही है कि गाजा के अंदर नुशीरत जो जगह है, शरणार्थी शिविर जो है, उस पर इसराइल ने दोबारा से भारी बमबारी करना शुरू कर दी है। उसके ऊपर दोबारा से इसराइल ने बड़े अटैक करना शुरू कर दिए हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे हताहत होने की खबर सामने निकल के आ रही है। वीडियो हमारे पास मौजूद है लेकिन YouTube की गाइडलाइंस की वजह से हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि YouTube ऐसी वीडियोस को हटा देता है। किसी का हाथ पूरी तरह से अपने शरीर से अलग हो चुका है, किसी का चेहरा पूरी तरह से जख्मी है, तो कोई बेहोशी की हालत में रोता पीटता हुआ नजर आ रहा है। ये आलम गाजा के अनुशीरत के अंदर से सामने निकल के आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, जिस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि पड़ोसी नुसीरत शरणार्थी शिविर में इजरायली नरसंहार के बाद दर्जनों हताहत लोग ढेर हो चुके हैं। अल बाला के अल अक्सा शहीद अस्पताल में लगातार पहुंच रहे हैं दोस्तों। अल बाला का जो अस्पताल है, शहीद नाम से जो अक्सा शहीद अस्पताल है, उसके अंदर लोग दर्जनों सैकड़ों की तादाद में अपने अपने घायलों को लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यह आलम, ये हालात अल नुशीरत के अंदर के इसराइल ने बना दिए हैं और वहां पर बमबारी भीषण तरीके से वो कर रहा है। सीधे सीधे आम जनमानस को वो निशाना बना रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो और हॉस्पिटल हो, उनके ऊपर सीधे सीधे मिसाइलें दाग रहा है। ये सारे दृश्य कोई छुपे हुए नहीं हो रहे हैं दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने ये सारे दृश्यों को अंजाम दिया जा रहा है। दुनिया का हर एक इंसान इस पर निगाह बनाए हुआ है, दुनिया का हर एक इंसान इस चीज को देख रहा है कि इसराइल किस तरह से गाजा और राफा के अंदर अलग अलग प्रांतों में किस तरह से नरसंहार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों का कातिल इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से आज उन मजलूमों के खून से लथपथ हो चुका है दोस्तों, जिसकी काली करतूतें देखने के बाद अलग अलग देशों के अंदर भारी मात्रा में विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक तस्वीर दोस्तों टोक्यो के अंदर से सामने निकल के आ रही है। टोक्यो के अंदर भारी मात्रा में फिलिस्तीन के लिए समर्थन दिया जा रहा है और वहीं पर इसराइल की दूतावास के सामने लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल का जो खुद का अपना दूत टोक्यो के अंदर बैठा हुआ है, दूतावास बनाकर उसके सामने जाकर टोक्यो के आम नागरिक जो है इसराइल के उस दूतावास के सामने विरोध कर रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि टोक्यो स्थित इसराइली दूतावास के सामने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए तथा फिलिस्तीन में उसके नरसंहार और कब्जे की निंदा की। ये आलम जो है टोक्यो के अंदर के दोस्तों, टोक्यो आप लोग समझ सकते हैं कि इसराइल की ये सारी कारगुजारी लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और अलग अलग देशों के अंदर से इस तरह से इसराइल को और इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का सीधे तौर पर बायकॉट कर रहे हैं। अब इसराइल का जो दूत टोक्यो के अंदर बैठा हुआ है, जो दूतावास वहां पर बना हुआ है, उसके सामने गए हैं और इसराइल जिस तरह से गाजा के अंदर, राफा के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर, खान यूनिस के अंदर कब्जा कर चुका है दोस्तों, उसकी कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इस तरह के दृश्य खत्म करो। आप वीडियो स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से ये लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर साफ तौर पर यहाँ पर एक मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे इन लोगों के हाथ में कुछ बैनर्स भी हैं। अगर आप गौर करेंगे तो एक बैनर्स जो मैं देख पा रहा हूँ उस पर लिखा हुआ है नो अटैक ऑन राफा। राफा के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर ये लोग आवाज उठा रहे हैं कि नो अटैक ऑन राफा, नो अटैक ऑन गाजा। इस तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल ही में एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, राफा ऑल आइज इन राफा करके जो तस्वीर वायरल हुई थी, उसमें भी लोग राफा के लिए सवाल खड़ा कर रहे थे। इसमें भी राफा के लिए लोग ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि राफा के ऊपर जो भीषण हमले इसराइल कर रहा है वो दृश्य किसी की आंखों से छुपे हुए नहीं है। उसी बीच दोस्तों जिस तरह से इसराइल ये जो बड़े हमले करता हुआ नजर आ रहा है, उसी बीच इसराइल को एक बड़ा झटका लग रहा है।
इसराइल के मंत्री बेनी गेट्स जो है पूरी तरह से अपने पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। ये इसराइल के जो मंत्री है बेनी गेट्स, इनकी तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बेनी गेट्स है, इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे समाचार इस तरीके का जो है आउटलेट्स दे रहे हैं कि ये अपने भाषण में जो है अपने इस्तीफे का सीधे तौर पर ऐलान कर सकते हैं कि अब हम इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को जान रहे हैं कि इसराइल की तरफ से जितनी भी कारगुजारी गाजा, राफा, खान यूनिस और अल नुसैरा के ऊपर की जा रही है ये बेबुनियाद है, ये कोई जंग नहीं है, ये सीधे तौर पर जेनोसाइड है, ये नरसंहार है। इस चीज को इसराइल के ये मंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि कुछ समाचार आउटलेट्स के अनुसार इजरायली मंत्री बेनी गेट्स द्वारा आज के लिए निर्धारित भाषण में अपने इस्तीफे की घोषणा करने और सैन्य कैबिनेट को हटाने की घोषणा करने की उम्मीद है। ये जो आज शाम को कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है भाषण देने वाले हैं दोस्तों, उसके अंदर इस तरह की उम्मीद और इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि ये उसके अंदर अपने इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को ये बड़े झटके हैं, क्योंकि अब उसके मंत्री भी उसका साथ छोड़ने लगे, वो इस बात को समझने लगे हैं कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जंग के नाम पर सिर्फ जेनोसाइड कर रहे हैं, जंग के नाम पर लोग छोटे छोटे बच्चों को, आम नागरिकों के ऊपर बम गिरा रहे हैं। इसलिए अब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत सारे मंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पद से इस्तीफा देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें सामने निकल कर आई थी कि किस तरह से अलग अलग देशों के अंदर, टोक्यो जैसे देश के अंदर से इसराइल के एम्बेसी के बाहर लोग वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम और अरबी देश अभी खामोशी से बैठकर इन सारे दृश्यों को देख रहे हैं। जब कोई बड़ा हमला होगा तो फिर वो निंदा करने के लिए सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।